سامعین حضرات سونا میوزک پیش کر رہے ہیں ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ بادشاہ محمود غزنبی کے دور کا یہ واقعہ ہے انہوں نے ایک دن حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنے کی خواہش کی سب کو بلایا تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں آپ کو خضر کا دیدار کرا دوں گا مجھے چھ مہینے کی مہلت دیجیے وظیفہ کروں گا لیکن چھ مہینے تک میرے بچوں کا خرچ آپ کو اٹھانا ہے چھ ماہ پورے ہوئے اور وہ شخص آیا تو کہنے لگا کہ میرا وظیفہ الٹا ہو گیا ہے میں چھ مہینے کی مہلت اور چاہتا ہوں بادشاہ محمود غزنبی نے اس شخص کو چھ مہینے کی مہلت اور دے دی لیکن وہ چھ مہینے کے بعد بھی جب دیدار نہیں کرا سکا تو بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اب اس کو اس کے جھوٹ کی کیا سزا دی جائے تو سب وزیروں نے اپنا اپنا مشورہ دیا لیکن آگے کس طرح سے ایاز جو ایک خاص وزیر تھے انہوں نے محمود غزنبی سے کہا کہ آپ اس کو معاف کر دیجئے کیونکہ اس نے جو جھوٹ بولا ہے وہ بچوں کی خاطر بولا ہے تو دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کس طرح سے محمود غزنبی کو ہوتا ہے یہ واقعہ آپ سنیے کلام لکھا ہے جناب طفیل سہاوری نے میوزک کے فرائض انجام دیے ہیں بھرت کمار نے ریکارڈنگ کپل گاندھی جی کی ہے اور یہ آواز حاجی تسنیم عارف سید پور بدایوں کی ہے لیجیے حضرات حضرت محمود غزنبی کا یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیے
ये सुन के बोले हजरत महमूद गजनबी, बच्चों का जिम्मेदार हूँ तेरे मैं बाखुशी। वो शख्स सुन के जुमले ये फौरन चला गया, दिन गुजरे रफ्ता रफ्ता तो वो दिन भी आ गया। जिस दिन का था महमूद को शिद्दत से इंतजार, हसरत थी दिल की खिजर से मिलने को बेकरार। छह माह पूरे हो गए तो शाह ने सुनो, बुलवा लिया दरबार में फिर उसको दोस्तों। फरमाया खिजर आए नहीं क्या हुआ जनाब, बोला वजीफा हो गया उल्टा मेरा खराब। छह माह की मोहलत मुझे और दीजिए हुजूर, इस बार खिजर से तुम्हें मिलवाऊंगा जरूर। ये सुन के बोले हजरत महमूद गजनबी, मोहलत में तुझको देता हूँ एक और आखिरी। इस बार हो न पाए ना तुझसे कोई खता, वरना मैं सख्त दूंगा तुझे जान ले सजा। बोला वो गलती अब न करूंगा मैं कोई भी, बोला वो गलती अब न करूंगा मैं कोई भी, मेहनत से मैं करूंगा वजाइफ तो हुई। हजरत महमूद गजनबी, बच्चों की देखभाल में होगी ना कुछ कमी। वो शख्स इतना सुनते ही दरबारे शाह से, ओझल सभी की हो गया पल में निगाह से। छह माह पूरे हो गए तो शाह ने शिताब, दरबार में बुलवा लिया उस शख्स को जनाब। दरबार में था उस घड़ी लोगों का अजदहाम, करने को दीद खिजर की आए थे खास आम। महमूद उससे बोले बता खिजर है कहाँ, क्या साथ में तेरे नहीं आए हैं वो यहाँ। बोला मैं गुनहगार हूँ और खिजर ने गुजार, कैसे मैं करा सकता हूँ फिर उनसे मुलाकात। अब तक जो मैंने तुमसे कहा झूठ था सभी, और झूठ बोलने की थी मजबूरी ये मेरी। थे बच्चे मेरे भूख से बेहाल इस कदर, थे बच्चे मेरे भूख से बेहाल इस कदर, बातों की वजह से मेरे बच्चे रहे थे मर। हजरत महमूद गजनबी, फरमाया एक वजीर से पूछा ये उस घड़ी। दे इसको इसके झूठ की हम कौन सी सजा, बोला वजीर आपसे की इसने है दगा। है आपसे हुजूर मेरा एक मशवरा, सर इसका तन से आप अभी कीजिए जुदा। महफिल में एक बुजुर्ग थे जो बहुत हसीन, नूरानी जिनकी शक्ल थी पुर नूर थी जबी। बोले बुजुर्ग शाह से उस लम्हा बरमला, अच्छा है इस वजीर का लो मान मशवरा। फिर दूसरे वजीर से बोले
को खुद के जो नोच के एहसास अपने झूठ का होगा इसे कभी आ जाएगा समझ में सजा पाके ये कड़ी उठे वही बुजुर्ग कहा शाह से सुनो मशवरा वजीर का अच्छा है मान लो महमूद ने जनाब मर्जी तुम्हारी क्या है बताओ हमें शिताब बोले अयाज शाह से तुम इसको बख्श दो मेरी तो राय आपसे है बस यही सुनो क्योंकि ना इसके झूठ से शाही में आपकी कोई पड़ा है फर्क ना आई है कुछ कमी बच्चों का खर्च इसके चला जो भी साल भर इससे भी ना पड़ा है खजाने पे कुछ असर माना के झूठ बोला है इसने किया कसूर लेकिन ये भूखे बच्चों की खातिर किया हुजूर तुमने सुनाई इसको सजा गर जो मौत की तो इसके बच्चे भूख से मर जाएंगे सभी सुनकर बुजुर्ग हो गए महफिल में फिर खड़े बोले ये बादशाह से बरजस्ता देखिए इस बार भी ताईद की फिर आपने यही जो कुछ कहा अयाज ने है फैसला सही महमूद ने बुजुर्ग को बुलवा लिया करीब फरमाया बात करते हो तुम भी बड़ी अजीब वजीर ने है कहा सर करो कलम ताईद उसकी तुमने की उस लम्हा एकदम और दूसरे वजीर ने कुत्तों की राय दी उसके भी मशवरे को कहा तुमने है सही और तीसरे वजीर ने फरमाया बख्श दो उसके भी मशवरे पे कहा ऐसा ही करो ताईद की है आपने तीनों की किस लिए कैसे सही है मशवरा इनका बताइए बोले बुजुर्ग जिसने कहा सर को काट दो वो असल में कसाब है तुम इतना जान लो उसका है काम काटना सर को सुराए दी इसमें कसूर आपका है सुन लो गजनबी ऐसों को जब वजीर बनाओगे तुम जनाब तो मशवरा ये आप ही देंगे तुम्हें खराब और दूसरे वजीर ने कुत्तों की राय दी अजदाद ने इसके करी कुत्तों की नौकरी अहबाब हमेशा से रहे इसके हैं गुलाम रहा है काम।
आले रसूल करते चले आए हैं मुआफ, सो कर दी है आयाज ने इस तरह बादशाह। ये बात सुन के हजरत महमूद गजनबी बोले के मैं अनजान था इस रात से अभी, सैयद आयाज है ना मुझे इसकी थी खबर, अच्छा हुआ जो कर दिया तुमने है बाखबर। बोले ये फिर आयाज भी लो तुम बता तुम्हें, तुम मुंतजर थे जिनके यही तो वो खिजर हैं, खोला है मेरा राज इन्होंने तो क्यों ना मैं इनका भी राज खोल दूं और दूं बता तुम्हें। एक दूसरे से हो गए इस तरह आशना,